तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको क्लासिक के लिए मतलब फुल में प्रैंक के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। मतलब देखो हम तो क्लास स्क्वाड में कैसे भी करके हीरोइक ग्रैंड मास्टर में पहुंच जाते हैं, पर क्लासिक में क्या होता है, हीरोइक में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब हम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और यहाँ पर हमारा मेन गलती जो होता है वो कैरेक्टर सही कॉम्बिनेशन नहीं करना। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, क्लास स्क्वाड में जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन खेल देते हैं क्लासिक में भी वही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को लगा के आ जाते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको ऐसा का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जो कि आपको क्लास स्क्वाड में भी और क्लासिक में भी बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। मतलब आपको एक रस प्लेयर है, रसर प्लेयर हो और आप स्नाइपर प्लेयर हो, जो भी टाइप का प्लेयर हो, आप क्लास स्क्वाड में भी ये गलती मतलब ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को ले जाते हो या फिर क्लासिक में भी लेके आ जाते हो तो भाई आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। मतलब बताऊं तो एक मास्टर वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं फुल मैप रैंक के लिए, तो भाई वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को जानने के लिए वीडियो के ऊपर अंत तक देखना। और लगभग हर एक कैरेक्टर आपको फ्री में मिल गया होगा जितना भी मैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इस वीडियो में बताऊंगा, मतलब जो भी कैरेक्टर को यूज करके आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा अंत तक देखना। और तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई हमारा जो पहला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वो भाई आपको आलोक लेना है। आलोक नहीं है तो भाई आप A124 का ले सकते हो। A124 मेरा लेवल ज्यादा नहीं है, मतलब लेवल 3 है, इसलिए मैं A124 को नहीं ले रहा हूं। और जो दूसरे में आपको रखनी है वो है मैक्सिम को, और जो तीसरे में रखनी है भाई हमको केली को रखनी है, और जो चौथे में रखनी है वो है लुकेटा कैरेक्टर को। लुकेटा कैरेक्टर का फायदा भाई क्या होता है क्लासिक में रखने का, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए मेरा HP भाई कितना है, मतलब आप सिर्फ को सिर्फ आपको दो किल करना है या आपको 25 HP दे देगा पूरा कोरा मैच तक। मतलब ऐसा नहीं कि HP बढ़ जाएगा तो उसके बाद आप जैसे ही डैमेज खाओगे हट जाएगा, ऐसा नहीं, आप इसको रिकवर भी कर सकते हो, आपको HP बहुत ही ज्यादा देगा। और ये कैरेक्टर जो जितने भी बताया इसको लेते हो तो भाई आपको 270 HP मिल जाएगा। लुकेटा तो भाई आपको 250 दे देगा और 20 HP और भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ये तीनों कैरेक्टर को आप यूज करोगे तो मतलब आलोक यूज करो या फिर A124 को यूज करो, कोई भी कैरेक्टर को यूज करो एक्टिव स्किल वाला, पर ये पैसिव स्किल वाले मतलब यही आपको यूज करना है। आप एक रसर प्लेयर हो, आप जहां पर भी एनिमी देखे आपको रस करना पसंद होती है, और मिड रेंज हो लॉन्ग रेंज हो आप हाई लेना पसंद करते हो, तो भाई ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को एक बार जरूर ट्राई करना। तो अभी तो हो गई भाई जो जो रस करते हैं उनके लिए, अभी बात कर लेते जो जो स्नाइपर चलाते हैं उडबीकर, मतलब जो जो लॉन्ग रेंज का ज्यादा गन यूज करते हैं उनके लिए भी बहुत ही सही वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। भाई वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्टिव स्किल वाला A124 का ही रख सकते हो, और आपके पास और कई ऑप्शन है मतलब अच्छा कैरेक्टर तो भाई बोस को भी रख सकते हो। उसके बाद आपको रखना है सांप शूटर को, और दूसरे में रखना है डेथ साइलेंसर को। इन दोनों को रखने का बहुत ही तगड़ा वाला फायदा है। जो सांप शूटर लिए हैं वो क्या करते हैं, जितने भी जो आप लॉन्ग रेंज का फायर लेते हैं उसका जो एक्यूरेसी होता है, मतलब जब भी स्कोप ऑन करके किसी को फायर करते हो तो उसका जो एक्यूरेसी होता है उसको भाई इंक्रीज कर देता है। और जो हम डेथ साइलेंसर वाला कैरेक्टर क्या करते हैं, आप जब भी कोई भी बंदे को भाई नॉकआउट कर देते हो या फिर आप कभी भी स्नाइपर हो जाए उडबीकर हो जाए ऐसा टाइप का गन यूज करते हो उसको भाई साइलेंसर करके, मतलब आपके गन में साइलेंसर ना भी हो ना भाई ये साइलेंसर उसमें अटैच कर देता है, तो भाई बहुत ही सही वाला कैरेक्टर है। और अभी बात कर लेते हो देखो आप लॉन्ग रेंज में लेते हो और मिड रेंज में भी फाइट ले लेते हो, तो भाई आपको क्या करना है कि भाई आपको भी A124 कर रखना है, उसके बाद लिखना है लुकेटा कैरेक्टर को। लुकेटा कैरेक्टर आप तो HP दे देगा मतलब पूरा का पूरा मैच तक। और जो चौथा वाला कैरेक्टर रखना है वो है आपको मोरो रखना है। मोरो कैरेक्टर को रखने के ये फायदा है कि आप जितने भी जो लॉन्ग रेंज में फाइट लोगे ना भाई वो उसका एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे, मतलब जो डैमेज है और एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज कर दे, मतलब जब भी लॉन्ग रेंज में फाइट लोगे उसको भाई 25% डैमेज जो आपका है गन का, जितना भी जो गन का डैमेज होगा उस डैमेज का 25% एक्स्ट्रा उसको डैमेज बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी इंक्रीज कर देगा जब आप लॉन्ग रेंज में ही फाइट ले रहे हो। तो भाई मोरो कैरेक्टर आप लॉन्ग रेंज में फाइट लेते हो तो भाई मोरो कैरेक्टर को जरूर यूज करना, आपको बहुत ही सही वाला फायदा आने वाली है। तो भाई अभी तो बात होगी मतलब रसर और जो लॉन्ग रेंज में फाइट लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं जो जो सर्वाइविंग करते हैं फुल मैप में और बाद में आके वो थोड़ा बहुत किल करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही सही वाला कैरेक्टर है। तो भाई आपको जो एक्टिव स्किल वाला कैरेक्टर रखना है वो है A124। A124 के बदले में आप के कैरेक्टर आपके पास है तो भाई के कैरेक्टर भी रख सकते हो, वो भी आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली है के कैरेक्टर और A124। और उसके बाद आपको जो सेकंड कैरेक्टर रखना है वो है रखना है कपिला। कपिला के बाद आपको थर्ड कैरेक्टर रखना है मैक्सिम कैरेक्टर को। मैक्सिम कैरेक्टर को रखोगे भाई ये बहुत ही तेजी से आपका हीलिंग आइटम को करेगा। और जो आपको चौथा आइटम रखना है वो भाई मैं सॉरी आइटम बोल रहा हूँ कैरेक्टर वो रखना है फोर्ड कैरेक्टर को। इस सर के क्या कहते हैं भाई, आप जब भी जो फोर्ड कैरेक्टर ये कहते हैं आप जब भी डैमेज के जोन के बाहर होगे तो भाई ये जो है 24% तक आपका जो डैमेज है वो कम लेता है, मतलब आपका अभी बहुत ज़्यादा तेजी से डैमेज घट रहा है तो भाई ये उसको थोड़ा कम कर देगा। और जो कपिला कैरेक्टर है वो आपका मेडिकेट आप जितना भी जो HP होगा, मतलब मेडिकेट एक मेडिकेट से आपको 75 HP मिलता है तो भाई वो आपको 80-90 HP दे देगा आपका लेवल के हिसाब से। कपिला कितना लेवल की हो उस हिसाब से आपको ज़्यादा
एचपी देगा, तो भाई कपिल के कैरेक्टर को यूज करना। और रही बात मैक्सिम की, तो भाई मैक्सिम आपको बहुत ही तेजी से मेडिकेट लेने में हायत करेगी, तो भाई आप जोन के आउटसाइड भी होगे तो भाई आप बहुत ही तेजी से मेडिकेट भी ले सकते हो। और इनहीलर जितने भी जो मतलब हीलिंग आइटम है वो बहुत ही तेजी से लेगा, तो भाई जाहिर सी बात है आप बहुत ही तेजी से जोन में भी आ सकते हो और आपका हीलिंग आइटम भी मतलब आप जिंदा भी रह सकते हो जोन के बाहर भी जाके भी। तो अभी बात कर लेते हैं एक्चुअली में आपको कौन सा कैरेक्टर यूज करना है। मतलब आप ऐसे टाइप के बंदे हो, आप अभी अभी मतलब आपके मन में जब भी जो कैरेक्टर आया वो यूज कर रहे हो, तो भाई आप ऐसा मत करो। मैं आपको जो पहले मेरे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करो, बहुत ही आपको फायदा देने वाली है। मतलब आप गेम प्ले नेक्स्ट लेवल जाने वाले वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करोगे, तो वो कैरेक्टर जो पहले भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया वो यूज करो। अगर आप पहले से ऐसा डिसाइडेड हो भाई मैं लॉन्ग रेंज में भी फाइट लूंगा या फिर मिड रेंज में, मैं आपको तो बता दिया कौन सा टाइम पे आपको कौन सा कैरेक्टर को यूज करना है, वैसे ही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते। भाई आज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा और कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, चल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मित्र किसी मजा नहीं था, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।